बांग्लादेश से शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर और अपनी जान बचाकर भले ही भारत आ गई हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गयी, जिससे उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 31 हो गयी। हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के 26, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 4 और अपहरण के 1 मामले शामिल हैं। द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वकील गाजी एमएच तमीम ने हिफाजत ए इस्लाम के संयुक्त महासचिव मुफ्ती हारून इजहार चौधरी की ओर से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में हसीना और 23 अन्य पर 5 मई 2013 को मोती झील के शापला छतर में हिफाजत ए इस्लाम रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। अखबार ने जांच एजेंसी के उपनिदेशक अताउर रहमान के हवाले से कहा कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है और आज से जांच शुरू कर दी गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में दर्ज की गई 4th शिकायत है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया है। शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी। 4 में से 3 मामले हाल ही में आरक्षण आंदोलन पर केंद्रित हिंसा से जुड़े हैं। इसके अलावा मंगलवार को देश भर में आवामी लीग के अध्यक्ष के खिलाफ 8 और मामले दर्ज किए गए, जिसमें उन पर हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई हत्याओं के संबंध में आरोप लगाया गया। अखबार ने कहा कि हसीने के बेटे सजीव वाजिद जॉय, बेटी साइमा वाजिद पुतुल और बहन शेख रेहाना को पहली बार हत्या के मामले में सह आरोपी बनाया गया है। हिफाजत इस्लाम मामले में प्रमुख आरोपियों में आवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री उबेद उल कादिर, पूर्व मंत्री रशीद खान मेनन, ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व महापौर शेख फजले नूरतपोश, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार सलमान समेत कई लोग शामिल हैं।